गलती ही नहीं की, उन्हें क्यों मार रहे हो? छोड़ दो, युद्ध को बंद कर दो। ध्रुवजी महाराज ने युद्ध को बंद कर दिया, ब्रह्मा जी की बात मान ली। समय आया अपना कार्यकाल पूरा करके आज मृत्यु के ऊपर अपना पैर रखकर ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। प्रेम से भागवत भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके महाराज भरत जी का संवाद आता है। जो भरत चरित्र है, कहते जो भरत जी थे महाराज 100 भाई थे, एक दो भाई नहीं थे, 100 भाइयों में से जो भरत जी महाराज थे सबसे बड़े थे। लेकिन भरत जी महाराज कुछ पढ़ते लिखते नहीं थे, माता पिता उन्हें पढ़ाने का प्रयास करते तो ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं पढ़ते थे। कहते क्यों? कहते अब हमने पढ़ना नहीं है। पढ़ना क्यों नहीं है? कहते अगर हम ज्यादा पढ़ाई करेंगे ना, तो जैसे हमने पूर्व जन्म में बंधन में बंध गए थे, ऐसे ही संसार में बंधन में ही बंध जाएंगे। इस कारण वो ज्यादा उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। जो भरत जी महाराज है, हर्ष में भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का ही चिंतन करते हैं। जो भरत जी के अन्य भाई हैं, ये भी एक ही जैसे हैं, लेकिन जो भरत राजा बने हैं, ये न्यायपूर्वक राज्य चलाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई हिंसा नहीं करते हैं। जो दंड देने योग्य हैं उन्हें दंड देते हैं, और जिन्हें जिस चीज की जरूरत होती है उनकी सारी इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं। जो राजा भरत है, बहुत समय तक राज किया, और राज करने के बाद में मन में विचार आया अब हमें क्या करना चाहिए, तो अपने बेटों को राज सिंहासन सौंप करके जंगल में चले गए, और जंगल में जाकर के भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दिया। जब जंगल में तपस्या करते हैं, जंगल में नाम लेते हैं, भगवान के फूल तोड़ करके लाते हैं, लेकिन एक दिन वह प्रातः काल नदी में स्नान करने के लिए गए सरोवर में, तो जैसे ही स्नान किया और स्नान करके बाहर निकले के तो क्या देखा, एक मृगी एक हिरण पानी पीने आया है। हिरणी ने पानी पिया और पीछे से शेर ने दहाड़ मार दी। शेर की दहाड़ सुन करके हिरणी डर गई, और हिरणी के पेट में बच्चा था, गर्भ था। उसने छलांग लगाई, उसका गर्भ सरोवर में ही गिर गया, और हिरणी भी थोड़ा दूर जाकर के प्राणों को त्याग दिया। अब राजा भरत सोचते हैं, अगर मैं इस मृग के बच्चे को नहीं बचाऊंगा तो मेरे सामने अगर इसकी मृत्यु हो गई तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्या करूं, मुझे बचाना चाहिए। कूद गए सरोवर में, आज मृग के बच्चे को बचा करके ले आए। लेकिन जब से मृग के बच्चे को लाया तो धीरे धीरे उसे हरी हरी घास खिला खिला करके बड़ा कर रहे। पहले जब जंगल में जाते थे तो भगवान के लिए फूल लाते थे, भगवान के लिए फल लाते थे, लेकिन अब जंगल में जाते हैं तो क्या लाते हैं, अब मृग के लिए हरी हरी घास लाते हैं। धीरे धीरे इतनी ममता बढ़ गई, जो मृग का बच्चा ये भी बड़ा होने लगा। कभी राजा भरत जब भगवान का नाम लेते हैं तपस्या करते हैं तो कभी गोद में आकर बैठ जाता है, कभी वह मृग का बच्चा भरत को चाटना प्रारंभ कर देता है। इतना प्रेम मृग के बच्चे के साथ में हो गया कि अब तपस्या धरी की धरी रह गई, अब तो मृग के साथ में ही मन लग गया। लेकिन मृग एक दिन घास खाते खाते चरते चरते अपने आश्रम से दूर चला गया। वह मृग
अन्य मृगों के झुंड में मिलकर के वह तो जंगल में चला गया, वापिस नहीं आया। अब जब भरत जी महाराज ने देखे कि सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, मेरा मृग नहीं आया, मेरा बच्चा नहीं आया, वो बड़े दुखी हो गए, परेशान हो गए, बारंबार निराश होकर के प्रार्थना करने लगे, हे भगवान से, हे सूर्य, हे चांद, भगवान कहाँ है, मेरा मृग का बच्चा कहाँ गया है, मेरा मृग कहाँ है। कभी सूर्य से पूछते तुम ही बता दो मेरा मृग कहाँ है, लेकिन कोई भी अब मृग को बताने वाला मिल नहीं रहा है। कभी तारों से पूछते हैं, कभी चांद से पूछते हैं, कभी सूर्य से पूछते हैं, लेकिन मृग का बच्चा नहीं आया। मृग का चिंतन करते 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 इतनी आसक्ति हो गई थी कि अगले जब जन्म हुआ तो कहते महाराज जड़ भरत जी का जन्म भी मृग के शरीर में हुआ, मृग बन गए। क्यों मृग बने? कहते थे गए थे जंगल में तपस्या करने के लिए, लेकिन तपस्या कर नहीं पाए, उनका मन आज एक मृग के बच्चे में रम गया था, तो इस कारण मृग की योनि में ही आना पड़ा। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि जंगल में जाओ, भगवान तो घर बैठे भी मिलेंगे और जंगल में भी मिलेंगे। अगर जरूरत है तो सिर्फ मन को लगाने की, मन को रमाने की। जंगल में जाकर के अगर हमारा मन शांत नहीं हुआ, जंगल में भी जाकर के अगर हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगा, तो जंगल में भगवान मिलने वाले नहीं। और घर में भी रह करके अगर हमारा मन लग जाए तो भगवान घर में भी आ जाते हैं। सबरी का नाम सुना है आपने? सबरी भगवान को ढूंढने नहीं गई थी, सबरी भगवान को प्राप्त करने के लिए दर दर नहीं भटकी थी। गुरु जी ने सिर्फ एक बात कह दिया था कि बेटी तेरे से मिलने भगवान आएंगे, सिर्फ इतनी बात मन में बैठा लिया था कि मेरे से मिलने कौन आएगा, मेरे से मिलने भगवान श्री राम आएंगे। यही मंत्र है, अब रोज सुबह उठ करके झाड़ू लगाती है, भगवान के आने का इंतजार करती है और कहते जब भगवान आए ना तो बड़े बड़े अम्लात्मा विमलात्मा योगेंद्र मुनिंद्र संत वृंद बैठे थे, कोई पानी का लेकर के गिलास बैठा था, कोई माला लेकर के स्वागत करने के लिए बैठे थे, लेकिन भगवान के मुख से एक ही शब्द निकलता था, मेरी माँ सबरी की कुटिया कहाँ है, मेरी माँ सबरी की कुटिया कहाँ है। सबरी को भगवान ढूंढ रहे थे, सबरी ने भगवान को नहीं ढूंढा, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। जब भक्त भगवान में ही हर समय अपने मन को रमा देता है तो भगवान भक्त को ढूंढते हुए आते हैं। भगवान श्री राम सबरी से मिलने गए, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश विदुर से मिलने गए थे, और दोनों भक्तों की लीला न्यारी है। विदुर जी के घर में कहते महाराज केले के छिलके खाए थे प्रेम के बंधन में बंध कर, और सबरी के पास में जाकर के जूठे बेर खा करके आए थे। भगवान ने समाज को संदेश दिया है, भगवान ने इस संसार में एक मैसेज दिया है संसार के लोगों, अगर कोई बड़ा होता है तो कर्म से बड़ा होता है। इस कारण मनुष्य को कर्म करना चाहिए, कर्म से ही मनुष्य ऊंचा होता है और कर्म से ही मनुष्य नीचे गिर जाता है। और हमारे जो भारत देश में सबसे बड़ी विडंबना है ना, कहते जातिवाद फैला हुआ है। ठीक है जातिवाद होना चाहिए, लेकिन इतना भी जातिवाद न फैल जाए कि हमारा हिंदुस्तान आपस में ही बिखर जाए, आपस में लड़ करके मर जाए, उसे दूसरे की जरूरत ही न पड़े। कोई कहता मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहता मैं क्षत्रिय हूं, कोई कहता मैं वैश्य हूं, कोई कहता मैं शूद्र हूं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा,
अर्जुन, जब मैंने सृष्टि का निर्माण किया, मैंने सृष्टि को बनाया, तो सृष्टि को चलाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने नाना प्रकार के नाम रूप और जातियों का मैंने निर्माण किया। चातुर्वर्णे मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। चातुर्वर्ण्यम माने चार प्रकार के जो वर्ण है, मया सृष्टा माने मेरे द्वारा सृष्ट है, मेरे द्वारा निर्मित है, मैंने इनको बनाया है। लेकिन बना करके क्या किया? गुण कर्म विभाग सह इनके मैंने विभाग बांट दिया। किसके ऊपर विभाग बांटे? तो गुण के ऊपर और कर्म के ऊपर। कोई माला लेकर के खूब आराधना और साधना करते थे तो भगवान ने कहा, जाओ आज से आपको सारी दुनिया ब्राह्मण के नाम से जानेगी, आपका कर्म ब्राह्मण का है, इस कारण समाज के लिए, देश के लिए, मंगल कामना के लिए भगवान गोविंद का नाम जप करना, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। देखा कि इस संसार में दूसरा भाई वो डंडा लेकर के समाज में घूमता है, वो कोई न्याय दिलवाता, कोई आपस में लड़ रहा है ना, तो देखा जो गलत है उसे गलत कहता है, जो सही है उसे सही, जो न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने वाला बेटा था उसे क्या कह दिया? जाओ आप राजा बनेंगे, आप राजा बनेंगे, देश के ऊपर शासन करोगे। लेकिन राजाओं में भी क्या किया? कहीं ऐसा ना हो राजा ही राजा लड़ जाए, क्योंकि एक राजा की 100, 100, 400, 400, 500, 500 रानियां होती थी, तो इस कारण विभाग बना दिया। भगवान ने कहा हर बेटा राजा नहीं बनेगा, जो राजा की पहली शादी होगी, जो बड़ी रानी होगी, उसके द्वारा जो बेटा उत्पन्न होगा वह राजा बनेगा। नहीं तो सारे लोग आपस में लड़ेंगे, वो कहेगा नहीं मैं राज का उत्तराधिकारी हूं, मैं राजा बनूंगा। दूसरा कहेगा नहीं मैं बलशाली हूं, मैं न्यायाधीश हूं, मैं राजा बनूंगा। तो इस कारण राज की परंपरा को बनाए रखने के लिए, राज को सुचारू रूप से तंत्र को चलाने के लिए क्या बना दिया? कि राजा की पहली शादी होगी, जो उसका बेटा यानी कि जो बड़ा बेटा होगा वह राजा बनेगा। राज सिंहासन दे दिया। उसके बाद में कहा कि एक भाई राम राम जपेगा, एक भाई देश को चलाएगा, तो देश को चलाने के लिए धन की तो आवश्यकता होगी ना, धन भी तो चाहिए, धन कहाँ से आएगा? तो क्या विचार किया? एक जो लड़का था ना वो व्यापार में ज्यादा ध्यान देता था, देश विदेश में व्यापार करता था, खर्च में व्यापार का ही चिंतन करता था कि मैं कौन सा काम करूं, कौन सा व्यापार करूं जिससे बहुत सारा धन आ जाए, जिससे मेरा बड़े बड़े देशों में व्यापारी के नाम से पहचान हो जाए। तो देखा जो व्यापार करता था क्या कहा? आपका नाम वैसे होगा, यानी कि आप व्यापार करें, देश में भी करें, विदेश में भी करें, लेकिन जो धन कमाएंगे ना क्या करना? कर के रूप में राजा को देना। कर हम जमा करते हैं ना, और कहते जो कर जमा किया जाएगा वो राजा अपने पेट भरने के लिए नहीं रखेंगे, वो राजा अपने ठाठ बाट के लिए वो धन यूज नहीं करेंगे, वह राजा आपत्ति पड़ने पर, विपत्ति पड़ने पर देश और समाज में उस धन को यूज करेंगे, और जब समय आएगा, मौका आएगा, असहाय की सहायता करेंगे, नदियों की सहायता करेंगे, जिस खेत में पानी नहीं जाता होगा नहर बनाएंगे, तालाब बनाएंगे, भगवान के मंदिरों का निर्माण करेंगे, धर्मशालाओं का निर्माण करेंगे, और किसी बहन बेटी की शादी होगी उसको अगर धन की जरूरत होगी तो उसे राजा लोग धन देंगे। लेकिन अब समय बदलता जा रहा है, अब चाहे कर के द्वारा आ जाए, चाहे किसी के द्वारा आ जाए, मैं देश की बात कर रहा हूं सुचारू रूप से चलाने की, क्योंकि जो राजा भरत थे ना वो न्यायाधीश थे, और कहते न्यायाधीश
राजाओं की आज देश में कौन सी स्थिति बनती जा रही है। लेकिन जब विचार किया, एक बेटा राम राम जपेगा, दूसरा बेटा शासन करेगा, तीसरा बेटा धन कमाएगा, तो भाई इनकी सेवा कौन करेगा? कोई सेवा भी करने वाला तो चाहिए ना, तो चौथे को कह दिया आप सेवा करना। लेकिन जैसे भारत देश में ना कहते शासन और प्रशासन दो हैं, शासन शासन करते हैं, प्रशासन वाले प्रशासन करते हैं। आप पुलिस का विभाग देखते होंगे, उसमें भी सिपाही, दरोगा, SHO, DSP, कमिश्नर सब पद होते हैं। कई बार देखने को मिलता है जो कमिश्नर की गद्दी के ऊपर बैठता है उसकी उम्र 30-35 वर्ष की होती है, और जो SHO बना है, थानाधीश है, जो थाने का स्वामी है, उसकी उम्र 50 के आसपास होती है। अब 50 वर्ष की उम्र वाला ये सोचे नहीं, मैं तो इस कमिश्नर की गद्दी के ऊपर बैठूंगा, कमिश्नर तो अभी छोटा है, तो महाराज शासन बिगड़ जाएगा, क्योंकि वह कमिश्नर की गद्दी है, उस पर जो बैठेगा वो कमिश्नर ही होगा, चाहे उम्र में छोटा हो चाहे बड़ा हो। क्योंकि अगर स्वतंत्र रूप से और अच्छी प्रकार से अगर व्यवस्था को बना करके रखना है, तो व्यवस्था के जो कानून बने इन्हें भी बना करके रखना होगा। हमारा भारत देश अगर इसमें बट रहा है तो सिर्फ जातिवाद के कारण बट रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है तो जातिवाद के कारण हो रहा है। किसी से पूछा जाता है तुम कौन हो, तो कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, वैसे हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ आप ब्राह्मण वैसे शूद्र से होने से पहले आप हिंदू हो, आप सनातनी हो। आप ये क्यों नहीं कहते मैं तो हिंदू हूँ, हिंदुस्तान की धरती के ऊपर मैंने जन्म लिया है, मैं हिंदू वासी हूँ, क्योंकि हिंदू सरोवर समारंभा। मैं कल आपको व्याख्या करूंगा, बताऊंगा हिंदुस्तान का वर्णन तो हमारे शास्त्र में है, एक जगह नहीं है, अनेक जगह है। क्योंकि आज मैं अगर हिंदुस्तान का वर्णन करूंगा ना, तो आज भगवान का जन्म भी होना है, और कथा बहुत है, इतनी कथाएं हैं, मैं रोज सारा दिन आपको सुनाता रहूं कथा, तो फिर भी 7 दिन में पूरी नहीं होने वाली है। लेकिन जो विशेष कथाएं हैं जिनके द्वारा इस संसार में समाज को ज्ञान मिलता है, उन्हें सुनाना आवश्यक है। तो इस कारण जो यहाँ पर हमारे प्रिय बंधु, मेरे आत्मज, मेरे भाई लोग बैठे हैं, जो मेरी माताएं बैठी हैं, जो मेरी बहन बैठी, मैं तो इस व्यास मंच से एक ही आवाहन करूंगा, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आप सभी से कोई भी पूछे तो आपके मुख से एक ही शब्द निकले, मैं तो हिंदू हूं। मैं क्या हूं? मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। और कहते जिस दिन ये शब्द निकलना प्रारंभ हो जाएगा ना, उस दिन हमारे देश में जो आपस की लड़ाई है, जो जातिवाद की लड़ाई है, ये खत्म हो जाएगी, और हमारे समाज में, हमारे देश में नया कमल खिल जाएगा, नई खुशियां आ जाएंगी, घर घर में रौनकें आ जाएंगी, कभी कोई पड़ोसी किसी का शत्रु नहीं होगा, सामने वाला कोई किसी का शत्रु नहीं होगा, सब आपस में मिलेंगे, झूलेंगे और खुशियां मनाएंगे। तो इस कारण कोई पूछे आप कौन हो तो क्या बोलोगे, एक बार बोल करके बताओ, आवाज नहीं आ रही, बोलो। हाँ, आपसे कोई भी पूछे तो आप कौन हो, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुस्तान की धरती पे जन्म लेने वाला हिंदू हूं। और इतना ही अगर इस भागवत की मंच से एक ही शब्द अगर आपने सीख लिया ना, समझ लो कथा सफल हो गई। ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, मैं तो 3 घंटे बोलता हूँ, आप जितना मैं सुनाता हूँ, हो सकता है शायद अगर कुछ ही याद रहता हो, बाकी आप भूल भी जाते होंगे, लेकिन एक शब्द याद कर लेना, कोई पूछे तो गर्व से छाती तान करके कहना, मैं हिंदुस्तान की धरती के ऊपर जन्म लेने वाला मैं हिंदू हूँ। आज जो भारत देश में जो भरत राजा हुए थे, कहते ना इस भारत देश का नाम जो भारत पड़ा है, ये राजा भरत के कारण ही, उन्हीं के कारण पड़ा था। आज राजा भरत
जब अगले जन्म में मृग बने तो आज भी वो पूर्व जन्म की ख्याति के कारण यादाश्त है उनको कि मैं राजा था, मृग में मेरा मन लग गया था, तो इस कारण मैं मृग बन गया हूँ। इस कारण भगवान का नाम लेते हैं, गुनगुनाते हैं, अपने जीवन को यापन करते हैं। आइए एक छोटा सा भजन श्रवण करते हैं और फिर भजन के साथ साथ में भागवत की कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्रेम सुन श्रीमद् भागवत महापुराण की।